हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम बिना है और आप देख रहे हैं ई बिजनेस आइडिया। और आज के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना बैंक जाए, बिना एटीएम जाए, घर पर ही आधार कार्ड सीडिंग मतलब कि अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को किस प्रकार जोड़ सकते हैं बिना किसी जगह जाए। बस शर्त एक चीज़, आपके पास नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग है। तो देखिए दोस्तों, जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा अपने बैंक से बिना किसी जगह जाए, अपना टाइम वेस्ट किए। लगभग 2 मिनट का काम है अगर आपके पास नेट बैंकिंग है और आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो चलिए हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और इसमें आपको टाइप करना है SBI नेट बैंकिंग और सर्च करना है। जैसे आप हमेशा अपनी SBI लॉगिन करते हैं नॉर्मल, आप अपना SBI अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। तो ये हमारा SBI लॉगिन हो चुका है। ये देखिए हमारी ID और हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं और आपको नीचे लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। आप यहाँ से जो भी आपका नोटिफिकेशन आ रहा है इसे क्रॉस कैंसिल कर दीजिए। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ये तो आप जानते ही है। और इसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन में लिंक योर आधार कार्ड नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए ये इस प्रकार से आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है, जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड है आपको उसमें डालना होगा। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालोगे तो चलिए मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेता हूँ और आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आप वो एक OTP आएगा मैसेज में कि चेंज योर प्रोफाइल पासवर्ड जो भी है वगैरह वगैरह। आपको यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है और आपका जैसे आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करोगे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे आपसे अपना आधार कार्ड नंबर पूछे जाएगा 12 अंक का। तो हमें 12 अंक का आधार कार्ड नंबर डाल देना है, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। जैसे ही आप अपना 12 अंक का आधार कार्ड नंबर डाल दूँगी तो जैसे नीचे कंफर्म आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है तो आपको यहाँ से कंफर्म करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ से डाल लेता हूँ अपना आधार कार्ड नंबर। चलिए चलिए हमने डाल चुके और यहाँ से नीचे से आपको सबमिट करना है। तो सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, ये आपसे यहाँ से सबमिट करने के पश्चात आपके जो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आपका एक OTP आएगा। तो देखिए दोस्तों मुझे एक OTP आ गया, या आपका 1 टाइम पासवर्ड आपको डालना है और सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ से हम डाल देते हैं। जैसे आप सबमिट कर रही हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो चलिए हम OTP डाल देते हैं बिल्कुल केयरफुली और सबमिट करना है आपको। तो चलिए मैंने सबमिट कर दिया है और ये मेरा रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मुझे मैसेज आ चुका है कि योर रेफरेंस नंबर जो भी है। तो दोस्तों आपको उसके बाद यदि आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली सीडिंग हो जाता है, लिंक हो जाता है, तो आपको फिर से मैसेज आएगा या फिर आप डायरेक्टली आधार कार्ड लिंक है
या नहीं है ये चेक करने के लिए आप *99*99 हैश क्लिक करके अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा।